आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनावों की वोटिंग से एक दिन पहले हुबली की पीड़ित नेहा के परिजनों से सीएम सिद्धारमैया मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने इस घटना को लेकर दुख भी जताया था और ये आश्वासन दिया था, ये एश्योरेंस दिया था कि जल्दी ही पीड़िता को और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। सीएम से बातचीत और उनके आश्वासन के बाद सरकार से नाराज नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा था कि उनसे गलती हो गई है, वो सरकार और पुलिस से माफी मांगते हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ये नेहा के पिता ने बाद में कहा था। और आज सिद्धारमैया मुलाकात कर सकते हैं परिजनों से, जो खबर सामने आ रही है। और इससे पहले बुधवार को कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला नेहा हिरेमठ के घर गए थे और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया था। और आज, जैसे कि हम आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया नेहा के परिजनों से मिलने के लिए कुछ ही देर में पहुंचे। तो जैसा हमने आपको बताया कि हालांकि नेहा के पिता ने बाद में ये कहा था कि उनसे गलती हुई है और वो सरकार के साथ खड़े हैं, चूंकि कांग्रेस के नेता भी हैं नेहा के पिता। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कल रणदीप सुरजेवाला मिले थे, तस्वीर में आप देख रहे हैं, परिजनों से नेहा के। और आज, अब से कुछ देर बाद, जो खबर आ रही है वो ये कि सीएम सिद्धारमैया भी नेहा के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। और इस बीच कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा मर्डर केस की जांच सीआईडी ने शुरू भी कर दी है। हत्याकांड के छठे दिन सीआईडी की टीम आरोपी फैयाज को लेकर बीबीबी कॉलेज पहुंची थी। इस दौरान मौका वारदात पर क्राइम सीन बाकायदा रिक्रिएट किया गया। इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें आरोपी को सीआईडी टीम ले जाते हुए नजर आ रही है। इसी कॉलेज में आरोपी फैयाज ने 18 अप्रैल की तारीख थी नेहा दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कॉलेज के अंदर रिक्रिएट किया गया। गले और पेट पर चाकू से वार किए थे और कल जो है इस पूरे सीन को एक तरह से रिक्रिएट किया गया। आरोपी फैयाज को साथ लेकर गई थी पुलिस। तो हम आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि नेहा के परिजनों से मिलेंगे आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और दूसरी तरफ हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, फैयाज इसको बीबीबी कॉलेज लेकर गई थी पुलिस, पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया गया। और मॉर्निंग प्राइम में बिग ब्रेकिंग, दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले मंगलसूत्र घुसपैठिया के बाद अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर सियासी पारा हाई है। पीएम मोदी के कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने के आरोप पर सीएम सिद्धारमैया का जवाब सामने आया है। सिद्धारमैया ने पीएम के आरोपों को झूठा बतलाया है, साथ ही साथ उन्होंने कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का भी बचाव किया है। प्रधान